अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको वेलकम करता हूँ। आज का वीडियो एक स्टूडेंट्स के लिए जिनने अभी तक डिग्री सर्टिफिकेट हासिल नहीं की है, इन तमाम स्टूडेंट्स से जिनने इग्नू से कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट किया है, उसके बाद कन्वोकेशन उन्होंने मिस किया और अब उनके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है या अप्लाई नहीं किया है, तो उनको कैसे अप्लाई करना है डिग्री सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कन्वोकेशन यहाँ पर 20 से लेकर 37 अवेलेबल है इग्नू ऑनलाइन सर्विस में। डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको चेक करना है, उसके बाद आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पर अभी इसने वर्क नहीं किया, तो सिंपली यहाँ पर आपको जाना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ से आपको एनरोलमेंट नंबर इंटर करना है आपको, और पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करनी है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर नीचे हम जाएंगे, ये ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है इसी तरह से। उसके बाद एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद वेरीफाइड स्टूडेंट डिटेल्स, अगर आप एलिजिबल हो तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेंगे। तो प्रोसेस फिर फर्दर आपको करना है, बाकी स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। तो कैसे करने हैं आप देखें, तो यहाँ पर मैं एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर एंटर करूँगा और वेरीफाइड स्टूडेंट डिटेल्स पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर वेरीफाइड स्टूडेंट डिटेल्स पर क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स फिलअप करनी है। यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर और आपका नाम होगा, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ईमेल आईडी, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करनी है। ठीक है, वैलिड होना चाहिए ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करना है, उसके बाद हम सबमिट करेंगे डिटेल्स। यहाँ पर सबमिट ऑप्शन है, सबमिट पर क्लिक करना है। तो सबमिट डिटेल्स पर क्लिक हमने किया, तो यहाँ पर ये मैसेज आपको भी आएगी, वेलकम आपका नाम होगा, तो यहाँ पर बताया गया है यूज़र नेम पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। ठीक है, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद तो यहाँ पर आपके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से लॉगिन करना है। एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। तो फिर यहाँ पर हमने लॉगिन किया, आपको सभी डिटेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, और आपको यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो प्रोग्राम है, एनरोलमेंट नंबर, कब आपने पास किया, और फ़ी भी बताया गया कितना है यहाँ पर, 600 रुपीज़ आपको पे करने हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है चूज़ करना है आपको, ठीक है, आप कैसे डिग्री सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हो, यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको इन पर्सन। ठीक है, अगर आपका कन्वोकेशन आने वाला है तो आप इन पर्सन सेलेक्ट करें, वहाँ पर आपको जाना है, आई कार्ड जो है आपका वहाँ पर शो करना है, तो या आप रीजनल सेंटर से वहाँ पर ले सकते हो कन्वोकेशन में, अगर नहीं आप जाओगे फिर रीजनल सेंटर में जाना है आपको वहाँ से हासिल करना है। तो यहाँ पर जिनका कन्वोकेशन मिस हुआ है या आप आपका है भी है कन्वोकेशन, आप नहीं चाहते हो कि वहाँ जाना, तो बाय पोस्ट आप सिलेक्ट करें। यहाँ पर बाय पोस्ट जो है ये सिलेक्ट करूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपका एड्रेस है तो वही रखना चाहते हो प्रेजेंट एड्रेस, तो इसको सेलेक्ट करना है, चेक करना है, नीचे एड्रेस ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो है एड्रेस लाइन जो फर्स्ट रो है, सेकंड, थर्ड, ये आप देख सकते हो एड्रेस आपको फिलअप करना है। नीचे सिटी आपकी जो भी है सेलेक्ट करनी है, उसके बाद स्टेट, उसके बाद पिन कोड जो आपका होगा सेलेक्ट करना है, यहाँ पर एंटर करना है पिन कोड। ठीक है, नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इग्नू का जो आई कार्ड है आपके पास वो अपलोड करना है, यहाँ पर 100 KB या 100 KB से कम होना चाहिए, JPEG या JPG फॉर्मेट में चूज़ करना है उसको। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करना, ये अपलोड हो जाएगा आई कार्ड। नीचे अपलोड करना है आपको ग्रेड कार्ड या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, दोनों में से एक को, तो चूज़ करना है यहाँ पर। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करना है, तो ये भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन जो है इसको चेक करना है, उसके बाद सेव करना है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड सेव हुई है सक्सेसफुली। उसके बाद ऑप्शन आएगा यहाँ पर प्रोसीड, आप देख सकते हो यहाँ पर पेमेंट लिंक
जनरेट करनी है, प्रोसीड पर क्लिक करना है तो जनरेट होगी पेमेंट लिंक। उसके बाद ऑप्शन आप देख सकते हो पे मेक पेमेंट्स, पेमेंट लिंक, मेक पेमेंट, यहाँ पर ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप आपको पेमेंट मोड चूज़ करना है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंक, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर फी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, नीचे मेक पेमेंट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। और गूगल पे जो है या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फ़ोनपे, जिस थ्रू आप करना चाहते हो पेमेंट आप कर सकते हो। आपको मैसेज आएगी, ईमेल आएगा आपको, और आप पेमेंट स्टेटस भी देख सकते हो।